मैं एक ही बात कहना चाहती नहीं मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यार के भाई बंद करो, अभी थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में, यूट्यूब के आपके थोड़े चक्कर में आप किसी की बदनामी कर रहे हो, किसी की मेहनत को आप गालियां दे रहे हो। प्रोड्यूसरों के लाखों करोड़ों पैसे लगते हैं फिल्म बनाने में, और किसी की मेहनत को भाई पता है कितना कम खाते हैं और बॉडी बनाते हैं। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। वो मेहनत तक आप पहुंच भी नहीं सकते। आप सात जन्म लोगे तो भी सलमान खान बन नहीं सकते। के आर के ही रहेगा भाई। आप भी हमारे भाई हो, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं बोलती, लेकिन आपने पॉइंट ऑफ मेरे लेजेंड भाई सलमान खान को बोला है। बाकी जी, तो फिर उनकी फिल्मों को मैं क्रिटिसाइज करता हूं, तो जो उनकी फिल्म अच्छी नहीं होती तो उनका कहना। लेकिन अच्छा किस फिल्म को बोला है उन्होंने आज तक? एक फिल्म तो बता दो जिनको वो मतलब के वो अच्छा बोला हो, है ना? ये तो गलत बात है ना, किसी हर फिल्म के हाथ पैर तोड़ते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गलत बात है ना भाई। पहले अपने आप में देखो कि आप में कितना प्रॉब्लम्स है। ये गलत बात है। आपको लगता है कि दुनिया का क्या, देश की जनता इस बात को मानती है कि दुनिया का बुरा बोलने से अपना भला हो सकता है? ये गलत है। पर्ल के लिए आप काफी इमोशनल रही हैं, आप दोनों ही इमोशनल रहे, क्या कहना चाहिए? बेल मिल चुके पर्ल को। एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट, एक्सट्रीमली थैंकफुल। बहुत प्रेयर्स किए, बहुत दुआएं मांगी है सबने, हम लोग बहुत खुश है पर्ल को बेल मिल गई है। हालांकि वो बेकसूर है, अननेसेसरी उस पर इल्जाम लगाए गए, बट पर्ल आप पर्ल नहीं हो, आप कोहिनूर हो, और चांद में कोई दाग लगा नहीं है। कभी नहीं सोचना, आप जैसे पहले काम करते थे फ्रीडम से, आप वैसे ही काम करो। और आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज हिट बैक। लेकिन आप काफी सपोर्ट लड़ी आप, मतलब हर कोई इतना खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन आपने कॉफी शॉप में खुलकर बोला। बिल्कुल, बिकॉज मैं पर्ल को जानती हूँ, एक इनोसेंट लड़का है। पता नहीं क्या ऐसा रहा है जो जिसने उसको यूज किया है, दैट्स इट। आखिर में आने वाले दिनों में क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं आपके? कोई नया प्रोजेक्ट? अभी तो ये हुआ है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, धीरे धीरे एक एक पत्ते धीरे धीरे खोलेंगे। खतरों के खिलाड़ी के लिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं आखिर में? मैं सबको सपोर्ट करती हूँ, जो मगरमच्छ को पेलेगा हम सबको, जो जानवरों को पेलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो ऊपर से छलांग लगाएगा फ्लाइट में से हम उसको सपोर्ट करेंगे भैया। हाँ, मैं और शबीना जाएंगे अगले बार, और वहाँ पे खूब डांस वाला रोमांस, मतलब पूरे शो में हम डांस करेंगे। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं मेरी और कश्मीरा की, या मेरी और देबोलिना की जोड़ी हो खतरों के खिलाड़ी में, हम सारे जानवरों को उधर मार के आएंगे। हाँ, बट अभी अभी शबीना ने भी बोला है। हाँ, तो चार एकदम एकदम जाके सेक्स इन द सिटी डांस वाले, हाँ चार लड़कियां के सेक्स इन द सिटी, तो हम लोग कैप्टन में जाके एकदम सारे जानवरों को पेल देंगे। आपके प्रोड्यूसर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया नए सॉन्ग के लिए? हमारे सारे गामा हमारे प्रोड्यूसर हैं, और इन्होंने बेहतरीन कोशिश की है कि इस सॉन्ग को अच्छा बनाए, अच्छा रिलीज करे, अच्छी पब्लिसिटी दे। अब देश की जनता इस सॉन्ग को सराहे, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करे और लाइक करे, सब्सक्राइब करे। अभी जनता के हाथ में, हम लोगों ने अपनी मेहनत कर ली है, सारे गामा अपनी तरफ से उन्होंने हमें सारा सपोर्ट किया, क्रिएटिव सपोर्ट। मेरी जनता बहुत अच्छी है। हाँ। मुझे बनाया ही जनता ने, बस है इस गाने को नंबर तो वन कर दो, वो जनता जरूर करेगी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, लव यू डॉक्टर। थैंक यू, सेम। ओके यार, मेरा पैर दुख गया।